इस तरीके उन्होंने टैक्स जीएसटी का भुगतान ढंग से उन्होंने ऐलान किया और देखिए इससे क्या असर पड़ा। तमाम दुकानदार परेशान हैं, कहते हैं हम दुकान बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें इतनी उलझन में डाल दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम टैक्स देते रहे, टैक्स का हम कैलकुलेशन करते रहे या हम अपनी बिक्री करें और हम अपने थोड़ी सी अपनी कमाई करें। यही हालत पूरे देश की है। जब ये लोग प्रचार करते हैं तो ऐसे लगता है कि जाने कितना विकास किया है इन्होंने 5 सालों में, कि 60-70 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। मैं जहाज से गोरखपुर जा रही थी, लखनऊ से जहाज में बैठी थी, जहाज रुका, सब यात्री उठ गए तो एक यात्री बोलने लगे कि ये देखो ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस की प्रशंसा करने लगे। तो एक और यात्री मेरे पीछे से खड़े हुए, उन्होंने कहा क्यों 70 सालों में इन्होंने किया क्या। तो मैं उठी, मैंने कहा भाई साहब अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो आज आप इस हवाई जहाज में नहीं उड़ते दिखते। तो यही असलियत है कि जो असली विकास का कार्य हुआ है कांग्रेस की सरकारों ने किया है। असलियत यह है कि कांग्रेस के नेता आपके प्रति समर्पित है। असलियत यह है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, फिर क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ बन गए कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि राफेल का जहाज एक ऐसे उद्योगपति द्वारा बनाया जाएगा जिसने पहले अपनी जिंदगी में एक जहाज नहीं बनवाया। 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको और देश भर में जाके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्ट कौन निकला बहनों और भाइयों? भ्रष्ट कौन निकला? देश के सबसे बड़े अभिनेता भ्रष्ट निकले। राष्ट्रवाद की बात की और ये जो पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, ये पार्टी खुद ऐसा इश्तेहार निकालती है कि मैं कानपुर में थी, मैंने कानपुर में एक बड़ी होर्डिंग लिखी, होर्डिंग पे लिखा था एक बार फिर मोदी सरकार भाजपा ने किया ओआरओपी का उपहार। सोचिए, कह रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको वह उपहार दे रहे हैं, ओआरओपी का उपहार दे रहे हैं, मतलब कि उन पर एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है इनकी। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि सोचते हैं कि एक्स सर्विसमैन को अपना अधिकार देंगे, अपना हक देके उपकार कर रहे हैं, उनपे एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है। ये मानसिकता कहां से आती है? ये मानसिकता अहंकार से आती है और अहंकार इस बात से आती है कि आप पूरी तरह से जनता से आपका नाता टूट गया है। आप सोचते हैं कि सत्ता आपकी है, आप भूल गए हैं कि आपको बनाने वाली ये देश की जनता को आपने वचन दिया था कि आप इस देश की जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। आपने बड़े बड़े वचन किए थे इस देश की जनता से कि आप 15 लाख रुपए हर जने के खाते में डालेंगे। कहां गए वो 15 लाख? कहां गए वो 2 करोड़ रोजगार? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, कहां गई वो आमदनी? आज किसान त्रस्त है, परेशान है, आत्महत्या के कगार पे आ गया है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। SC ST एक्ट को हटाया गया, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। देश भर से हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे तक आए, पैदल आए, हर प्रदेश से आए, हमारे प्रधानमंत्री
इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि उनके पास इस देश के जवानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए और इस देश के गरीबों के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। अमेरिका जाते हैं, किससे गाली रखते हैं, वहां वहां के राष्ट्रपति से गले लगते हैं। जापान जाते हैं, ढोल बजा के वापस आते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं। चीन जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं। कब? डोकलाम के बाद। ऐसी हरकतें करते हैं, दुनिया भर घूम लेते हैं। जिस देश का नाम लीजिए वहां पे भ्रमण कर चुके हैं। एक देश नहीं छोड़ा, लेकिन जब मैं वाराणसी गई, उनके संसदीय क्षेत्र में गई, जब मैं वाराणसी गई और मैंने वाराणसी की जनता से पूछा कि आप के भी जाते हैं कि नहीं, तो मालूम है क्या जवाब मिला? कि नहीं दीदी, नहीं दीदी, हमारे गांव नहीं आते, हमारे बीच नहीं आते, बड़े बड़े भाषण देने आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में आते हैं।